नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी एक भी अंगूठी मामूली सी अंगूठी लगे। इनमें से एक भी ऐसी नहीं है जो मेरी ड्रेस से मेल खाती हो। मैं इन सब से ऊब चुकी हूँ। मुझे लगता है मेरे पास इससे बेहतर होनी चाहिए। ओह, मुझे याद आया। माँ, क्या आप अंदर हैं? मुझे आपकी वो हरे मोती वाली अंगूठी चाहिए। मुझे आज तैयार होना है। माँ, क्या आप यहाँ हैं? शायद वो यहाँ नहीं है। माँ के पास कितनी बेहतरीन अंगूठियाँ हैं। और ये अंगूठी मेरी पसंदीदा अंगूठी है। ये तो मेरी हर ड्रेस के साथ अच्छी लगेगी। ये बहुत सुंदर है। लला ला 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 ला। तुमने माँ की अंगूठी क्यों पहन रखी है? ये कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी उंगली में। और मुझे तो पूरा यकीन है कि जब माँ इसे पहनती होगी तो ये और भी चमकदार और सुंदर लगती होगी। लेकिन अभी मेरी है। तुम ये बोल रही हो कि माँ को ये अंगूठी बहुत पसंद है? मुझे पता है, वो हाँ कह देगी। तुम उन्हें धोखा दे रही हो। मैंने माँ से कहा था कि ये अंगूठी मैं पहनूंगी, समझे? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन क्योंकि पहले मैंने ये अंगूठी ली है इसलिए मेरी हो गई, समझे? बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे बड़ी हूँ और इस पर मेरा हक ज्यादा है। जो मुझे नहीं चाहिए वो तुम ले सकती हो। इस बार नहीं कैथरीन, ना। मुझे वो अंगूठी वापस दो। वापस आओ। नहीं, ये मेरी है। नहीं है। तुम उसे जल रही हो। क्या हुआ? क्या ये नई अंगूठी है जेन? तुम ऐसा कह सकती हो सिंड्रेला? देखो ये मेरे ऊपर कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, जेन, उसे वापस दो। नहीं। क्या हो रहा है? जेन, वापस आओ। ओ नहीं, मेरी मोती वाली अंगूठी नहीं है। मेरी इतनी कीमती अंगूठी किसी ने चुरा ली, मेरे परिवार की विरासत। ओह, कैथरीन, जेन, सिंड्रेला, जेन, इसे मुझे दो। ये? नहीं। मुझे चोट लग गई है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम उतनी दूर खड़ी हो? कैथरीन, जेन, क्या तुम लोग ठीक हो? मैं कुछ मदद करूं? कोई मत हिलना। कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। मेरी कीमती हरे रंग वाली मोती की अंगूठी मेरे कमरे से गायब है, जो मेरे परिवार की विरासत है। उसे किसी ने चुरा लिया है। जेन, जल्दी से माँ को वो अंगूठी लौटा दो। वो मुझसे कहीं खो गई है। तुम दोनों में से किसने वो अंगूठी ली है? अगर आपको लगता है मैंने ली है। आपकी हरी मोती की अंगूठी मैंने ली है। ये गलत है, पर वो बहुत सुंदर थी। मुझे तो पहले से पता है कि तुम ऐसा कर सकती हो। मेरी बेटियां ऐसी नहीं है। पता नहीं तुम्हारा क्या करूं। चोरी करना एक जुर्म है। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने इसे चुराया नहीं। मैं इसे वापस कर दूंगी। मुझे हर हाल में अपनी अंगूठी वापस चाहिए। अगर तुमने शाम तक मेरी अंगूठी नहीं लौटाई तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। तुम वापस नहीं आ सकती, समझी तुम? हाँ, मैं समझ गई। उसने ऐसा क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत अच्छी है। मुझे पूरा यकीन है कि उन्हें मालूम है कि तुम चोर नहीं हो। ये मायने नहीं रखता, वो ये सब भूल जाएंगी जैसे ही हम उनकी अंगूठी ढूंढ लेंगे। वो कहाँ हो सकती है? जगह दूर नहीं होगी, पर घास में ढूंढना मुश्किल होगा। चमकते हुए, शुक्र है कि तुमने उसे देख लिया। हमारी किस्मत अच्छी है। क्या नसीब है। सिंड्रेला, क्या तुम वहाँ नीचे हो? कसकर पकड़ रहा हो? हाँ, मैं यहीं पर हूँ पैच।
शुक्रिया, तुमने मुझे बचा लिया। दोस्त इसलिए तो काम आते हैं। नहीं, तुम्हें सिंड्रेला का ध्यान रखना होगा जब तक वो ठीक ना हो जाए। सिंड्रेला, सिंड्रेला! यहाँ देखो, ऊपर। पैपी, कैसा महसूस हो रहा है? ठीक तो हो ना? हाँ। सिंड्रेला, तुम्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हुई। तुम तो गिर नहीं वाली थी। तुम लोग इतने बड़े कब हो गए? हमें कुछ नहीं हुआ, तुम छोटी हो गई हो। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमें अंगूठी ढूंढनी है। ओह, तुम सही कह रही हो। ओह, ढूंढ लिया। चलो भी। ओह, ये सब पॉलेट ने किया है। नहीं, मुझे रुकना होगा। मैं उसे नहीं रोक पाया। ओ नहीं, हमें उसका पीछा करना होगा। आगे एक झरना है, हम क्या करें? सिंड्रेला, मेरे ऊपर बैठ जाओ। ठीक है। आखिरकार, अब मैं ये ले सकती हूँ। रुक जाओ। हे, रुको। सिंड्रेला, मैंने कोशिश की पर वो बहुत तेज था। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है पैपी। अब उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। और ऊपर से बारिश। ओह, उसके बगैर मैं घर नहीं जा सकती। तुम्हारे पास अंगूठी ढूंढने का शाम तक का वक्त था सिंड्रेला, पर तुम नहीं ढूंढ पाई। और मैंने तुमसे कहा था अगर अंगूठी नहीं लाओगी तो तुम इस घर में नहीं आ सकती। आ
आज के बाद मैं आप लोगों के लिए खाना नहीं बना पाऊंगी, मुझे आपकी याद आएगी। तुम क्या बोल रही हो? सच में सिंड्रेला, तुम्हें लगता है हम तुम्हारे बिना रह पाएंगे? नहीं, शुक्रिया दोस्तों। बादल छट रहे हैं, चलो उस कौवे को ढूंढते हैं। सूर्यास्त से पहले उस अंगूठी को ढूंढने का हमारे पास अच्छा मौका है। हाँ, हम ढूंढ लेंगे, सूरज छुपने से पहले ही काम करना होगा। सही कह रही हो, जब तक उजाला है तब तक हमारी उम्मीद कायम है, हम ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, ढूंढ कर लाना। चिंता मत करना, और हम भी यहाँ नीचे ढूंढते हैं। मैं उसे जानता हूँ। हाँ, वो हमारी मदद कर सकता है, चलो जल्दी चलते हैं। आखिर वो काला कौवा उस अंगूठी का क्या करेगा? हम सब की तरह वो भी उसकी चमक से आनंदित हो गया होगा। ऐसी किसी की चीज नहीं उठानी चाहिए, वो मुझे मिल गया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो ये चमत्कार होगा। पैपी, ये कितना सुंदर है, तुम खुशनसीब हो। मैं जानती हूँ, इसीलिए मैं अपने पंखों से इतना प्यार करती हूँ। वो कौवा बहुत तेज था, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैं उसे ढूंढ कर ही दम लूंगी। तुम चिंता मत करो पैपी। इतने सारे कौवे, अब हम उसे कैसे ढूंढेंगे? वो रहा, मैंने उसे पहचान लिया। लगता है वो यही रहता है, ये उसके बच्चे हैं। ये सब कितने प्यारे हैं। काश वो अंगूठी उस घोंसले में हो। मुझे वहां पर जाकर उसे ढूंढना ही होगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? क्या तुम कहना चाहते हो सिंड्रेला को मेरी मदद चाहिए? एलेक्स, तुम आगे जाओ, मैं आता हूँ बाद में। ठीक है। मुझे माफ कर दो, तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो बस अंगूठी ढूंढ रही हूँ। ओह, अंगूठी मिल गई। मेरे पीछे क्यों खड़ा है काले कौवे? नहीं, मुझे चोट मत पहुंचाओ। अरे वाह, मैं वापस पहले जैसे हो गई। सिंड्रेला, मैं यहाँ हूँ। सिंड्रेला, तुम वहाँ क्या कर रही हो? कैसे हो चार्ल्स? ओ नहीं, वो गिर रही है। पैच, तुम घोंसले को देखो, मैं सिंड्रेला को देखता हूँ।
सिंड्रेला क्या तुम ठीक हो? तुम्हें लगी तो नहीं? बोलो, कुछ तो बोलो। ओह शुक्रिया चार्ल्स, मुझे मिल गई। आखिरकार मैंने ये अंगूठी ढूंढ ली। लेकिन क्या? तुम हमेशा सही समय पर आ जाते हो चार्ल्स, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पैच, तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओ नन्हे फरिश्तों, ये सब डरावना था और सब मेरी गलती है। इन्हें इनके पिता की जरूरत है। तुम्हें अब घर जाना चाहिए सिंड्रेला। अगर तुम इस घोंसले को पेड़ पर रखने जाओगी तो तुम्हें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी। सही कह रहे हो, सूरज ढलने वाला है। चार्ल्स, क्या तुम मेरी मदद करोगे और इस घोंसले को वहाँ वापस रख दोगे? हाँ, पर फिक्र मत करो नन्हे फरिश्तों, मेरा दोस्त तुम्हें तुम्हारे परिवार के पास पहुँचा देगा। ये लो चार्ल्स। हाँ? मैं इसे खुद रख देती लेकिन मुझे जाना होगा। रुको सिंड्रेला, जल्दी क्या है? मुझे माफ कर दो, मैं अभी बात नहीं कर सकती। लगता है तुम्हें वापस रख देना चाहिए। वो अभी तक क्यों नहीं आई? जल्दी ही शाम होने वाली है। शायद उसने वापस ना आने का सोचा हो और वो अंगूठी अपने पास रख ली हो। मैं उसे अंगूठी लेने नहीं दूंगी। हमें ये नहीं पता कि वो कितनी दूर गई है। जेन, कैथरीन, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों इसी वक्त मेरे कमरे में आओ। पर किस लिए माँ? पता चल जाएगा। अरे नहीं, सूरज तो ढल रहा है, मैं तो कभी नहीं पहुँच पाऊंगी घर सूरज ढलने से पहले। क्या करूँ? हार मत मानो सिंड्रेला, भक्ति रहो, तुम पहुँच जाओगी। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? मैं थक गई हूँ, मैं और नहीं भाग सकती। बस थोड़ी दूर और है। अरे नहीं सिंड्रेला। हैं? ओह ये तो चार्ल्स है। काम पूरा हो गया, मैंने घोंसले को वापस पेड़ पे रख दिया। शुक्रिया, बहुत अच्छा किया। अब एक आखिरी काम बचा है और वो है तुम्हें वक्त पर घर पहुंचाना। चलो। ओह चार्ल्स शुक्रिया। देखो लड़कियों। ओह ये तो आपकी अंगूठी है। माँ आपकी अंगूठी मिल गई। ओह ये तो शाम होने से पहले आ गई। माँ मैं वापस आ गई। मुझे पता है मुझे थोड़ा सा समय लग गया लेकिन मैंने आपकी अंगूठी ढूंढ ली। ओह ये तो मैं भूल ही गई थी। वैसे तुम्हें इतना वक्त क्यों लग गया? वैसे तुम्हारी सारी मेहनत बेकार गई। क्या? आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये नकली है और नकली अगर खो भी जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये वाली असली है। नकली तुम रख लो सिंड्रेला, वो तुम्हारे हाथ में अच्छी लगेगी। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। काम करते वक्त तुम्हारे हाथ में और भी जचेगी। वो कितने बुरे हैं, सिंड्रेला ने उस अंगूठी को वापस लाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। अजीब है ये लोग। बस बहुत हो गया। मुझे तो ये अंगूठी बहुत खूबसूरत लगती है। वो अब अच्छा महसूस कर रही है। वो कितनी प्यारी है। अगर किसी का दिल सिंड्रेला की तरह साफ और खूबसूरत हो तो उसे खुश होने के लिए कोई ज्यादा वक्त नहीं लगता। ऐसे दिल के सामने सारे हीरों की चमक फीकी है। ओह ये तो तारों की तरह चमकती है। देखो उसका, असली वाली से भी बहुत अच्छी। वाह।